जोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर केवल अभी मेरी सरकार को 100 दिन नहीं हुए लेकिन 100 डेज के अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। यानी ये हमारी स्पीड है। स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए 4 करोड़ घर। यानी ये स्केल है। हमारे यहाँ करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है। कितना बड़ा काम है। हमारा अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है। नए सिटीज की हमारी जरूरत है वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है। मेरे यहां पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहां 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है। कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है, ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये नाता जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर है, अवसर को जाने मत दीजिए। और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं मैं तैयार हूं।